से पुलिस अधीक्षक महोदय होशंगाबाद के निर्देशानुसार और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय होशंगाबाद के मार्गदर्शन में थाना पिपरिया मंगलवार क्षेत्र में कोविड-19 महामारी को देखते हुए 5 दुकानदारों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की गई। संपूर्ण कार्रवाई श्रीमान एसडीएम महोदय पिपरिया, तहसीलदार महोदय पिपरिया, नगरपालिका पिपरिया और मंगलवारा थाना से प्रभारी उपनिरीक्षक रिपु दमन सिंह राजपूत, हमरा स्टॉप आरक्षक नरेश मलिक, मनोहर दायमा, राम मोहन रजक, नितेश दवनडे, शिवशंकर पटेल, प्रधान आरक्षक कल्लू सिंह अफसर खान की टीम के द्वारा शहर में व्यापारियों और दुकानदारों को समझाइश दी गई और सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मास्क लगाना आदि की समझाइश दी गई। लेकिन समझाइश देने के बावजूद भी कुछ दुकानदारों द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश धारा 144 CRPC का उल्लंघन किया गया। कुछ लोगों द्वारा अपने प्रतिष्ठान दुकान खोलकर बैठे पाए गए, जिनके विरुद्ध थाना पिपरिया में धारा 188-269 IPC का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण कार्रवाई SDM महोदय पिपरिया, तहसीलदार साहब पिपरिया और नगर पालिका आमला पिपरिया और मंगलवारा प्रभारी उपनिरीक्षक रिपु दमन सिंह राजपूत और हमरा स्टाफ के द्वारा की गई। थाना पिपरिया में जिन लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ, दिनेश पांडे आनंद बाग, गोविंद साहू आनंद बाग, सुमित पटवा पचमढ़ी रोड, अमित जैन सुभाष वार्ड, आनंद कुमार पुराना गल्ला बाजार के विरुद्ध धारा 188-269 IPC का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।